सो गाइज, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑडियो टोन की तरफ से आने वाला न्यू मॉडल का स्पीकर, जो कि है सिग्नेचर न्यू मॉडल में। तो छोटे थोड़ा सा बॉक्स घुमा, सो ये देख सकते हैं ऑडियो टोन का है, और ये है इसका मॉडल नंबर AD1852 और 2PD, जो कि सिग्नेचर, जो कि अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है। इसको अनबॉक्स करते हैं और इसका टेस्टिंग देखेंगे। तो चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं, और इसका प्राइस क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, और इसको अभी हम अनबॉक्स करेंगे और इसका क्लोज व्यू देखेंगे कि कैसा हमें स्पीकर देखने को मिलेगा। तो बॉक्स अगर आप खोलेंगे फर्स्ट बॉक्स, तो फर्स्ट बॉक्स खुलने के बाद आपको एक और अंदर जो है एक कार्टून बॉक्स देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइट कलर में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। चल छोटे, उसको निकाल, मतलब अनबॉक्स करो वहीं से। तो सीधा इसको अनबॉक्स करते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए, और इसका प्राइस क्या रहेगा वो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि प्राइस जो है समय के साथ कम ज़्यादा होते रहता है। इसलिए जो है प्राइस मैं वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा। और ये दूसरा बॉक्स खुल चुका है, और दूसरा बॉक्स खोलते के साथ और एक और बॉक्स है इसमें, जो कि पैकेजिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा पैकिंग हमें देखने को मिल रहा है ऑडियो टोन के स्पीकर्स में। क्योंकि कभी भी ट्रांसपोर्टिंग या फिर कहीं भी कुरियर भी करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, बस वगैरह में भी आता है, तो स्पीकर डैमेज नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 कार्टून लगे हुए हैं, जो कि काफ़ी हेवी कार्टून बॉक्स इसमें लगा हुआ है। और अंदर से भी आप देख सकते हैं पैकिंग कुछ इस टाइप से किया हुआ है, जिसमें कि फोम भी लगा हुआ है। निकल, और फोम निकलते के साथ हमारा जो है फाइनल स्पीकर आ जाता है। सो इसको क्लोज लुक आपको दिखाते हैं, और ओरिजिनल का पहचान के लिए आपको ये सर्टिफिकेट मिला जाता है, मतलब मिलता है ऑडियो टोन की तरफ से, जो कि आपके स्पीकर जो रहेंगे ओरिजिनल में उसमें आपको मिलेंगे। चलो उसको उधर, और चलिए इसको फटाफट से स्पीकर को बाहर निकालते हैं। और स्पीकर आप देख सकते हैं पोलोथीन में कवर्ड है, और नीचे स्पीकर के लिए सेफ्टी के लिए रखा हुआ है, तो इसको हटा लेते हैं। सो यहाँ पर स्पीकर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से है, और ये जो था ये नीचे स्पीकर को सेफ्टी के लिए था, मतलब स्पीकर इधर उधर खिसके ना। तो इसको अनरैप करते हैं, प्लास्टिक आप देखेंगे पन्नी, इसमें भी ऑडियो टोन मेंशन किया हुआ है, जो कि आप ओरिजिनल में ही आपको ये मिलेगा। और ओरिजिनल पहचानने का तरीका और भी है इसमें, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चल छोटे, इसको निकाल, तो इसको पन्नी को निकालते हैं फटाफट से, और फाइनली आप स्पीकर जो है आप देख सकते हैं। और इसका कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी, मतलब कम ज़्यादा नहीं, छोटा बहुत थोड़ा बहुत हम देख लेंगे। तो यहाँ पर पेपर कोन की क्वालिटी आप देखेंगे तो काफ़ी हार्ड हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर है ऑडियो टोन का ब्रांडिंग, ये देख सकते हो, जिसमें कि पंच किया हुआ है। इसमें आपको ओरिजिनल में ही ऐसा मिलता है, डुप्लीकेट वाला अगर लेंगे तो इसमें ये ऑडियो टोन का जो पंच किया हुआ है ब्रांडिंग है ये नहीं रहेगा। और ये डस्ट कैप पूरा सील्ड है, मशीन सील्ड है, जिसमें कि 5 इंच का वॉइस कॉइल इसमें लगा रहता है। चल छोटे, यहाँ से इसको पलट, और ये है एक ऑडियो टोन का एक लोगो, मतलब पलट, तो इसको पलटते हैं, और मैग्नेट साइड कुछ डिटेल्स हम देख लेते हैं। सो मैग्नेट साइड अगर हम डिटेल की बात करेंगे तो इसको थोड़ा सा, यहाँ पर आप देखेंगे तो वॉइस कॉइल 5 इंच, इन आउट इम्पीडेंस 8 ohms, और इसका मॉडल नंबर मेंशन किया गया है AD1852 2PD, जो कि सिग्नेचर है। और बाद बाकी यहाँ पर पावर जो है RMS में 2000 वाट और मैक्सिमम 4000 वाट, और ऑडियो टोन का यहाँ पर ब्रांडिंग मेंशन किया गया है। यहाँ है आपका ईयर वेंटिलेशन के लिए होल्स दिए गए हैं, और यहाँ पर है आपका मैग्नेट काफ़ी बड़ा, जो कि 4 पीसेस कट में आता है। और यहाँ पर भी आपको स्पेसिफिकेशन दिया जाता है, एक छोटा सा स्टिकर मतलब आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें कि मैग्नेट, वॉइस कॉइल, इम्पीडेंस, सेंसिटिविटी और पावर और मैक्सिमम पावर दिया गया है। अब इसमें अगर हम देखते हैं स्पाइडर की क्वालिटी और मैग्नेट आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, और मैग्नेट जो है स्पीकर आप देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिल जाता है। अब इसका टर्मिनल सॉकेट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इसका टर्मिनल सॉकेट कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है हमें, ब्लैक और ये रेड। और यहाँ पर आपको एक बार कोड देखने को मिल जाता है, जो कि आप इसको स्कैन करके पता कर सकते हैं कि आपका स्पीकर ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट।
अब चलिए इसका स्पाइडर देखते हैं छोटे। तो अब हम बात करते हैं स्पाइडर की क्वालिटी के ऊपर। सो स्पाइडर आप देखेंगे तो यहाँ पर रेड कलर में आपको स्पाइडर देखने को मिलता है, प्लस यहाँ पर रिंग लगा हुआ है। इसमें डबल स्पाइडर का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी हेवी स्पीकर्स में मतलब आता है, तो यहाँ पर इसमें डबल स्पाइडर के साथ आपको देखने को मिलता है। प्लस एलेंकी यहाँ पर लगा हुआ है रिंग के साथ, मतलब एलेंकी यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 लगभग 6 के आसपास एलेंकी नट बोल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी हेवी स्पाइडर है, मैं आपको सामने से दिखाना चाहूँगा। तो ये आप देख सकते हो काफ़ी हेवी स्पाइडर है, ऊपर नीचे भी अगर हम करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है, इतना मतलब ये हार्ड है। मतलब इसमें काफ़ी अच्छा पंच, काफ़ी अच्छा वाइब्रेशन हमें मिलने वाला है। तो ये रहा ओवरऑल लुक स्पीकर का, और इसका जो प्राइस है वो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा। और चलिए इसका अब हम टेस्टिंग कर लेते हैं। टेस्टिंग आपको ओपन में ही मैं देने वाला हूँ, इसको कैबिनेट में जो है कसेंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, उसके लिए यहाँ पर आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा टेस्टिंग के ऊपर। तो फिलहाल इसका हम करते हैं टेस्टिंग, तो चलिए इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। सो गाइस, एम्पलीफायर लगा लिया हमने, नीचे एम्पलीफायर है, एक मिनट, ये देख सकते हो। तो ADMT एम्पलीफायर में हम चेक कर रहे हैं अभी 8 ohms में एक स्पीकर, और ओपन स्पीकर है, और ये पूरा मतलब सीधा है, एम्पलीफायर लो पास में है। यहाँ से साउंड बढ़ाते हैं, ए पिंटो टांग में इसे करके ना हटाओ ना इधर से। सो गाइज, ये छोटा सा टेस्टिंग था यहाँ मतलब विदाउट कैबिनेट, तो ज़्यादा साउंड इसलिए हम लोग नहीं खोल रहे हैं फिलहाल। इसको अभी मतलब स्कूप में हम लोग लाएंगे, तो उसके बाद जो है इसका अगला वीडियो आप चेकआउट कर लेना, तो उसमें हम लोग इसको जो है डाल करके चेक करेंगे, तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फिर आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसा लगा, और ये हम लोग जल्दी जल्दी में वीडियो बना रहे हैं इसलिए। चलिए फिर आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।